हेलो गाइस, मैं डॉक्टर निताशा। बच्चों के शरीर में से खून की कमी दूर करने के लिए उनके लिए ये बनाएं। इसके लिए आपको लेनी है 10 ग्राम किशमिश। अगर आपके पास किशमिश नहीं है तो आप 10 ग्राम मुनक्का ले सकते हैं बीज निकाल के, 20 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद हमने लिए है 10 ग्राम मिक्स सीड्स। इसके बाद हमने ली है 10 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट नट्स। ये सब बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको खाने से बच्चों के शरीर की सारी कमियां दूर होती है। इसके बाद आप लेंगे 10 ग्राम रेड बेरीज। इसके बाद हमने ली है 4 अंजीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंजीर हमारे बच्चों के लिए, हमारे शरीर के लिए और बड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हमने लिया धामपुर का गुड़, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। हमने ये लिया है 300 ग्राम। जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए तब हमें इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, पर उससे पहले ड्राई फ्रूट्स को कट कर लें। अगर बच्चे कट करके नहीं पसंद करते तो आप उनको अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद आप सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दें। जब आपके गुड़ में सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी गैस चलानी है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और उसके बाद गैस बंद करके इस पेस्ट को आप एक प्लेट पे निकाल लें। प्लेट पे आपको लगाना है देसी घी। देसी घी लगाने के बाद ये सारा पेस्ट प्लेट में निकाल लें, और निकालने के बाद आप इसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद जब आप निकालेंगे तब आपको करने हैं इसके पीसेस। जो शेप आपको पसंद हो आप इसको उस शेप में काट सकते हैं। काटने के बाद आप इसको एक बाउल में रख लें और डेली एक पीस घर में सबको दें, क्योंकि इसको खाने से शरीर में बहुत सी कमियां दूर होती है। जो बच्चे खाना नहीं खाते वो खाना खाने लग जाते हैं, और जिनके शरीर में